मॉर्निंग नमस्कार। पहला एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूँ देवभूमि भ्रमण में। तो साथ में आज का मौसम कुछ ऐसा है, दूर दूर इस पहाड़ के पीछे हमारा हिमालय पर्वत है, तो इसमें शायद पीछे बर्फबारी स्टार्ट हो रही है, तो जिसकी वजह से मौसम बिल्कुल सुस्ताई वाला हो रहा है और धूप में भी थोड़ी सी जान कम है, तो इसलिए धूप भी कम लग रही है और हल्की फुल्की हवाएं चल रही हैं। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, देखते हैं कि क्या कुछ होता है। तो सुबह के 7:30 का वक्त हो रहा है और माँ देख सकते हैं जो भी गोट से गोबर निकाल रखा है वो खींचने लग गई है यहाँ पर जौ के ऊपर। तो ये अक्सर ये वाला काम गांव में माँ के द्वारा किया जाता है। तू मत करना, कतु ठंडा रह, तू चार जाम दे रही हो सब यो। देखना चाहे। तो हल्की फुल्की गेहूं और जौ साथ में पीले सरसों बाहर निकल गए हैं जमीन से और अब देख सकते हैं पूरा जो हरियाली थी वो धीरे 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 खत्म हो रही है। अब जंगलों में सिर्फ बांज की हरियाली दिखती है और जो घास थी वो हम लोगों ने काट दी है और अब खेतों की हरियाली, थोड़ी दिनों के बाद खेतों की हरियाली भी स्टार्ट हो जाएगी जब बड़े होंगे पेड़। और आजकल गांव घरों में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि लकड़ियां और हरा घास ढूंढने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। यहाँ पर हरे घास के लिए सिर्फ बांज है तो बांज को लाते हैं और तिमुल दुदिल ये सब कुछ करते हैं। और साथ में यहाँ पर जो नींबू देख रहे हैं ना, उस नींबू का स्वाद इस ठंडियों में लिया जाता है, तो ऐसा कुछ है। हमने खेतों में लहसुन जो कि हाल ही में लगा रखा है और दो कलियां निकल रही है, ये तो ये लहसुन है और खूब सारा हरा धनिया जो कि बीज के लिए होता है और मसालों के लिए ही ये वाले धनिया बोया जाता है। यहाँ पर से मार्केट नहीं जाता है, सिर्फ इसको दाने के लिए बोया है। तो ये कुछ कुछ धनिया के पेड़ बड़े होने लग गए हैं, तो इसमें कुछ जाकर फल लगेगा। फोटो बिल्कुल शानदार तरीके से सोया हुआ है और इसके रुए उतर रहे हैं और कुत्तों के गर्मियों में निकलते हैं रुए और जो गद्दी होता है उसके निकलते हैं ठंडियों में। ये देखिए ठंडियों में ऐसे ये सारे निकल जाते हैं कुछ ऐसे। जी दोस्तों, बैगन का लास्ट फल हम यहाँ से लेते हैं और इसका बनाएंगे बीज और बीज बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हम पहाड़ों में जो आगे आने वाली इसकी जनरेशन है बैगन की, तो उसको संभाल के रख रहे हैं, तो घर में ही बीज बनाएंगे और बीज कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ से ये लास्ट था बैंगन का, इसको निकाल दिया। तो बाकी इसमें थोड़ा सा पानी डाल रखा है जो कि बाद में, बैगन क्या होता है कि बाद में अपने आप फल देना स्टार्ट कर देता है, तो इसको पानी डालकर छोड़ दिया है। और ये बैगन घर लेकर इसका बीज बनाते हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो ये बैगन यहाँ से जड़ को छोड़ के मुंह के यहाँ से इसको ऐसे चीरा लगाया जाता है बीचों बीच। लास्ट तक और वैसे ही यहाँ से बैंगन बंजन ऐसे
कहाँ से बोली बुआ वाला क्यों बिदे बिदे का कैसे लग रहा था ऐसे कुछ और इसके अंदर ते सारे बीज हो रहे हैं और इसको ऐसे टांग देंगे ऊपर यहाँ पर धूप में सूख के फिर बीज बन जाएगा। तो मम्मी और पापा ने ये वाला बैंगन कुछ ऐसे लटकाया हुआ है और तोरई का बीज ऐसे बैंगन ये वाला और एक बैंगन की हालत ऐसी हो रही है बिल्कुल सूख गया है। अब इसको भी लटका देते हैं यही। तो दोस्तों ठंड स्टार्ट होने लगी है और बहुत ज्यादा तगड़ी वाली। अभी तो बर्फबारी नहीं हो रही है क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सही है, बर्फ लाइक नहीं हुआ, पर जो ठंड है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो उसी का जुगाड़ करने आज मैं गया था पापा के साथ। पापा और मैंने इतनी सारी लकड़ियाँ काटी और मेरी ये धन्नो सब काम करती है, कभी घास लाती है, कभी लकड़ी लाती है और कभी मुझे भी इधर उधर सैर कराती है। तो आज इसमें हम लोग लाए हैं लकड़ियाँ। तो ये है बांज की लकड़ी, देखो तो पूरी डिग्गी से उतार रहा था मैं अभी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए कि मेरी धन्नो क्या क्या काम करती है। तो आज का काम इसका इतना है कि ये लकड़ी ला रही है और नीच वाले मकान से, तो ये हम लोग ने वहाँ काट के रखे हुए थे तो वहाँ से यहाँ तक इसमें लागे हैं। तो ये है हमारे ठंडियों का जुगाड़, तो इसे जुगाड़ कहते हैं, तो जिससे बिल्कुल ठंडी पास तो बिल्कुल नहीं आती है और इसके कोयले इतने अच्छे बनते हैं कि पूरे कमरे को गर्म कर देते हैं। तो ये है साधन हमारा। और पापा ने ये सारे बांज के फाड़ कर अब इसके इतने बढ़िया कोयले होते हैं ना, मैं इसको डलिया में लेके जा रहा हूँ, छोटे छोटे बना दिए पापा ने, तो इनको डलिया में ढककर सीधे सगड़े में डालेंगे और जितना बड़ा ये दिख रहा है ना उसका छोटा साइज तो निकल ही जाता है, एक कोयला बन जाता है और फिर वो रात भर हमें गर्माहट देता है। तो कुछ ऐसा है हमारे पहाड़ का ये रहन सहन।